नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने में नाकामी साफ दिखाई दे रही है। साथ ही बात होगी बुलंदशहर की, जहां वीरेश हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ और बताएंगे कि कैसे ललितपुर में विरधा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर अंबेडकर नगर से, जहां खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने में नाकामी साफ दिखाई दे रही है। बता दें, पुलिस दिखावे के लिए जहां से पैसा नहीं मिलता उसे बंद कर दिया करती है। बाकी 300 रुपये प्रति ट्रैक्टर ट्रॉली 24 घंटे के लिए छूट। जनता की जिंदगी पर बड़ा खतरा पैदा करते हैं खनन माफिया। बता दें, हरे भरे पेड़ों के चारों तरफ से मिट्टी निकाल ले जाते हैं खनन माफिया। वहीं खनन माफियाओं द्वारा मनमानी तरीके से मिट्टी खनन किया जा रहा है, जिसके कारण हरियाली पर भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। सरकार पेड़ों को लगाने का रिकॉर्ड बना रही है और खनन माफिया हरे पेड़ों को चारों तरफ 8-10 फुट तक मिट्टी निकालकर उन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया करते हैं। रातों रात पूरे बाग गड्ढों में तब्दील हो जाते हैं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां वीरेश हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हो गया। हत्याकांड में शामिल चार लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मृतक की पत्नी से थे हत्याकांड में शामिल एक आरोपी ठेकेदार के अवैध रिश्ते। बता दें, प्रेम संबंधों में बाधा बनने पर हत्या आरोपियों ने वीरेश की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक के शव को हाईवे के किनारे फेंक कर फरार हो गए थे आरोपी। 26 मई को थाना अरनिया क्षेत्र के नया गांव के पास मिला था वीरेश का शव। अरनिया पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं हत्याकांड का खुलासा किया है। आइए जानते हैं इस विषय में SP देहात बुलंदशहर रोहित मिश्रा ने आगे क्या कुछ बताया। ये थाना अरनिया क्षेत्र में दिनांक 26 तारीख की रात में 8 से 9 बजे के बीच में हाईवे के किनारे एक शव प्राप्त हुआ था, जिस पर स्थानीय पुलिस मौके पर गई और उसकी गहराई से छानबीन और जांच पड़ताल की गई और दो टीमें इसमें लगाई गई थी। उस व्यक्ति की पहचान वीरेश के रूप में हुई, जो ग्राम उस्मापुर थाना खुर्जा नगर का रहने वाला था और जिसकी हत्या चार लोगों ने मिलकर की थी, जिसमें एक मुख्य अभियुक्त जो है वो मृतक की पत्नी के साथ उसके इलिसिट रिलेशन थे और वह उससे शादी करना चाहता था। इस क्रम में उसने, चूँकि यह व्यक्ति उसमें रोड़ा बना हुआ था, इसलिए उसने दो व्यक्तियों को हायर किया और पैसे की 60,000 रुपये में डील करके पैसा देकर चलती कार में उसको शराब पिलाकर उसकी गला घोटकर साफी से हत्या करा दी गई और शव को सहाईवे के किनारे फेंक दिया गया था। इसमें चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। ग्राम हरदोई गुर्जर में हर साल भलीभांति सभी ग्रामवासियों द्वारा भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन मंदिर परिसर से कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। एकत्रित महिलाओं ने विधि विधान से कलश में जल भरा और उन्होंने सिर पर कलश धारण कर यात्रा का शुभारंभ किया। कथाव्यास पंडित श्री गोकर्ण प्रसाद शास्त्री जी सप्ताह ज्ञान यज्ञ रामलीला प्रवचनकर्ता डॉक्टर पंडित ब्रह्मदत्त दरबार एवं समस्त ग्रामवासियों की अगुवाई में कलश यात्रा गांव के विभिन्न मंदिरों से होकर कथास्थल पर पहुंची। कलश यात्रा में DJ पर बज रहे भक्ति गीतों की धुनों पर श्रद्धालु नाचते थिरकते हुए आगे बढ़ रहे थे। कथास्थल पर कथाव्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण के महत्व के बारे में भक्तों को बताकर प्रतिदिन भागवत कथा का श्रवण करने की अपील की। इस मौके पर परिषद श्री बाबू सिंह यादव, राम कटोरी यादव, मुख्य यजमान राम किशोर सिंह यादव, पत्नी राम कुमारी यादव, यजमान महेंद्र पाल सिंह ने नन्हे राजा, पत्नी श्रीमती सतीश राजे, यजमान संतोष कुमार पाल, पत्नी श्रीमती सुशीला देवी, यजमान गजेंद्र सिंह पाल, श्रीमती सुमन देवी पाल, मनोज यादव, मलखान सिंह यादव, रामजी यादव, राधाकृष्ण यादव, राम किशोर यादव, राघवेंद्र यादव, प्रदुम यादव, डब्बू यादव, अनुज यादव, हिमांशु पाल, आकाश यादव, रवि यादव, मोहित पाल, कुकू पाल, राजेंद्र यादव, नीरज महाराज, अंकित राजा, अमित राजा आदि लोग मौजूद रहे। जालौन से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र की रिपोर्ट। खबर ललितपुर के बिरधा से है, जहां बता दें कि बिरधा निवासी देवराज उम्र 10 वर्ष 3 दिन से लापता था, जिसे सी न्यूज भारत की खबर ने संज्ञान लेते हुए प्रमुखता से दिखाया। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हरकत में आई पुलिस, वहीं जनमानस के सहयोग से सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची बिरधा पुलिस ने बालक को केलगवा तिगड्डा पर बने एक मेडिकल के पास से बरामद कर लिया है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।